जबलपुर के सिविक सेंटर क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब पार्किंग लाइन में खड़ी एक मोपेड की डिक्की से 2 लाख रुपए नकद गायब हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोहलपुर क्षेत्र में रहने वाले मोहम्मद सुहेब बैंक पर जमा करवाने के लिए 2 लाख नकद अपनी मोपेड की डिक्की पर रखे हुए थे। पहले वह यातायात थाना स्थित बैंक पहुंचे, लेकिन बैंक में भीड़ होने की वजह से सिविक सेंटर लौट आए, जहां पर यस बैंक के पास अपनी गाड़ी खड़ी करके वे चेक क्लियर करवाने के लिए चले गए। लौटकर जब आए और देखा कि मोपेड की डिक्की खुली हुई है और उसमें रखे हुए पैसे गायब हैं। आया कि वो 2 लाख रुपए काउंटर में रखा है, उसको लेके 2 लाख रुपए एक अकाउंट दिए थे उसमें डाल दो। तो मैं सीधा यहाँ मशीन सर्वे डाउन रहता है यहाँ पर, तो मैं सीधा वहाँ चला गया। कहाँ ये अपना कौन सा एरिया रखता है, राइट टर्न चला गया। वहाँ पैसे निकाल के वहाँ अंदर गया तो वहाँ मशीन ख़राब थी, वहाँ लेबर भी काम कर रहे एटीएम में, वहाँ मशीन ख़राब थी। तो सीधा मैं डिग्गी में पैसे रख के सीधा यहाँ यस बैंक आ गया। यस बैंक में मेरे को एक चेक लगाना था पक्के का, तो मैं पक्के का अंदर चेक लगा के वापस आके सीधा गाड़ी उठा के ये वाली मशीन गया। कौन सी? ये अपना मॉल के बाजू में जो SBI मशीन है वहाँ गया, डिग्गी खोला तो मेरा पैसा नहीं था। मैं यहाँ वापस आया, बैंकर से बोला अंदर कि भैया पैसे नहीं है मेरे। तो उसने कैमरा चेक किया, फिर मैंने वहाँ जाके रिपोर्ट किया, अंकल को लेके आया पुलिस में। हाँ पुलिस में शिकायत दी जी, पुलिस में शिकायत दी ना, अंकल आए ना पुलिस में। कितना पैसा था? 2 लाख रुपए था। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद सोहेब, मैं गोहलपुर में रहता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सोहेब। जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।